पिछले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी, जो आज की तारीख में 5वें पैदान पर पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई है। इसके अलावा देश की तरक्की से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को कड़े फैसले लेने जरूरी हैं। लेकिन क्या खंडित जनादेश के बीच मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधारों को जारी रख पाएगी? आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि क्या मोदी का देश को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प गठबंधन की सरकार में पूरा हो पाएगा। मोदी 3.0 की चुनौतियां क्या हैं, समाधान क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आ चुके हैं, लेकिन बीते 2 चुनावी नतीजों से उलट इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। 543 सीटों पर हुए चुनाव के अंतिम नतीजों में बीजेपी को 240 और एनडीए गठबंधन को 293 सीटें मिली हैं, जबकि एग्जिट पोल बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए बम्पर जीत का अनुमान लगा रहे थे। हालांकि देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है, लेकिन पिछले 2 बार के उलट मोदी सरकार को शासन करने के लिए अपने सहयोगी दलों के सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होगी। वैसे तो सरकार ये दावा करती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले 2 कार्यकालों के दौरान भारत ने तेजी से आर्थिक तरक्की की है और ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। साल 2014 में जब मोदी पहली बार सत्ता में आए तो भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर 7.8% की दर से बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में इसकी 8.2% की दर से बढ़ने का अनुमान दिया गया है। इस तरह भारत शानदार आर्थिक ग्रोथ हासिल करने में सफल रहा है। लेकिन अगर भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है और चीन को टक्कर देनी है, तो नई सरकार को आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखने के लिए कई बड़े बदलाव करने होंगे। चूंकि नई मोदी सरकार पिछली बार के मुकाबले अपने सहयोगियों पर ज्यादा निर्भर होगी, ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी 3.0 में देश की इकोनॉमी पर असर कैसा होगा, क्या आर्थिक सुधार जारी रहेंगे या फिर इन पर ब्रेक लग सकता है। इन सभी बातों को विस्तार से आगे जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि पीएम मोदी क्या करने की योजना बना रहे हैं। लोकसभा चुनावों में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें तीसरी बार सरकार चलाने का जनादेश मिला है। अगले 5 साल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस दौरान हमें भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने तक रुकने वाले नहीं हैं। अगली सरकार में युवाओं को रोजगार देने के भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनका तीसरा कार्यकाल कड़े फैसलों वाला होगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि ऐसा कहना आसान है, जबकि संसद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत न मिलने से करना मुश्किल है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित निवेश फंड मैथ्यूज एशिया के पोर्टफोलियो मैनेजर पीयूष मित्तल ने सीएनएन से बातचीत में कहा, हमारा मानना है कि खंडित जनादेश के साथ मोदी सरकार को आगे चलकर नीति निर्माण में ज्यादा कठिनाई होगी। उदाहरण के तौर पर भूमि सुधारों को लागू करना मोदी के लिए अब और कठिन हो सकता है, क्योंकि कंपनियों को चीन के मुकाबले भारत में जमीन अधिग्रहण में ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कर्मचारियों को काम पर रखना या उन्हें निकालना भी बहुत कठिन है। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में भूमि कानूनों, श्रम कानूनों और कृषि कानूनों में सुधार के कई प्रयास किए, लेकिन सरकार की पहलों का कड़ा राजनीतिक प्रतिरोध हुआ और मोदी की बहुमत वाली सरकार को भी अपने कदम वापस खींचने पड़े। इसी तरह नए श्रम कानूनों को लेकर केंद्र सरकार सभी राज्यों को इन पर एकमत करने में असफल रही। 2024 के आम चुनाव के पहले जारी भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र को देखकर कोई खास उम्मीद नहीं जगती है, क्योंकि बीजेपी के इस घोषणा पत्र में भूमि और श्रम कानून सुधारों का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में भारत को दर्जनों उद्योगों जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस, रेलवे, एयरलाइंस, जहाज निर्माण, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, खनिज, टेक्सटाइल और हीरा वगैरह का वैश्विक केंद्र बनाने का जिक्र किया गया है।
बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि निवेश से जुड़ी इन योजनाओं को पूरा करने के लिए मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में भूमि और श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने वाले लोगों की जरूरत होगी। इसके अलावा उन्हें श्रम संहिता जल्द से जल्द लागू करने और कराधान नियमों में सुधारों का फायदा लेना चाहिए। बीजेपी के घोषणा पत्र में उन सुधारों का भी जिक्र किया गया है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे सुधार देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम होंगे। पिछले 3 सालों में आर्थिक विकास की गति तेज रही है, जिसमें सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी भरकम निवेश की खास भूमिका रही है। लेकिन आने वाले सालों में आर्थिक वृद्धि तभी ऊंचे स्तरों पर बनी रहेगी जब निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ेगा। हालांकि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां, जिनमें एप्पल की कॉन्ट्रैक्टर फॉक्सकॉन भी शामिल है, भारत में अपने कामकाज का काफी विस्तार कर रही है, लेकिन जहां देश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, वहीं भारत अभी भी कपड़े, खिलौने और फर्नीचर जैसे क्षेत्रों में चीन से पीछे है। बेंगलुरु स्थित तक्षशिला इंस्टीट्यूट में शोधकर्ता अमित कुमार डॉयचे वेले से कहते हैं, अभी भारत को चाइना प्लस वन की स्ट्रेटजी के अग्रणी दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। चाइना प्लस वन वैश्विक कंपनियों की एक ऐसी रणनीति है जिसमें कंपनियां चीन के बाहर भी अपना निवेश कर रही हैं। उन्होंने कहा, भारत को वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और पूरे आसियान से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। मेक्सिको भी एक कड़ा प्रतिद्वंदी है। कुमार आगे कहते हैं कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत ज्यादा सुरक्षित दाम है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री राजीव बिस्वास डॉयचे वेले से ही कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजारों में से एक भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, एशिया और मध्य पूर्व की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक केंद्र के रूप में बहुत तेजी से आकर्षक बन रहा है। उन्होंने कहा, ये विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत के प्रति आकर्षण का ही नतीजा है कि बीते दशक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे FDI के नाम से भी काफी जाना जाता है, दोगुना हो गया है। 2014 से 2023 के बीच भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़कर करीबन $600 अरब हो गया है। वहीं जानकारों का कहना है कि बीते एक दशक में मोदी सरकार ने सड़क, रेलवे और पुल समेत भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया है। सरकार ने विदेशी निवेश आकर्षित करने और उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसी चीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने की भी कोशिश की। मोदी सरकार की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही है कि सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम करने में सफल रही है। 31 मार्च को समाप्त हुए पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान देश का राजकोषीय घाटा GDP का 5.6% रहा, जिसके 5.8% पर रहने का अनुमान था। इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2.11 लाख करोड़ के डिविडेंड को देखते हुए केंद्र अब अपने वित्त वर्ष 2025 के राजकोषीय घाटे के टारगेट को घटाकर 5.1% से नीचे कर सकता है, जबकि सरकार ने वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटा GDP ग्रोथ का 4.5% तक लाने का टारगेट रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुधारों को लागू करने के लिए मोदी को इस बार कहीं ज्यादा कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। डेक्कन हेराल्ड में छपे एक लेख में कहा गया है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान NDA को 330 सीटों का बहुमत मिला, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि आर्थिक विधेयक और कृषि कानून शीघ्रता से पारित हो सके। लेख में कहा गया है कि हालांकि अब जबकि NDA 300 सीटों से नीचे है, भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आ रही है, तो वादा किए गए आर्थिक सुधारों और दूसरे कारोबारी फैसलों को लागू करना और अधिक जटिल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे एक आर्टिकल में कहा गया है कि हालांकि मोदी सरकार 3.0 अपने सहयोगियों पर निर्भर होगी, लेकिन इसमें पिछली गठबंधन सरकारों के प्रदर्शन का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि इससे आर्थिक सुधारों का काम ठप नहीं पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि गठबंधन सरकारों ने कुछ सबसे साहसिक और दूरदर्शी सुधार लागू किए हैं। अखबार ने PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार के कई आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जिनमें अर्थव्यवस्था को उदार बनाना, लाइसेंस राज को हटाना जैसे सुधार शामिल थे। लेख में यह भी कहा गया है कि देवगौड़ा सरकार के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ड्रीम बजट पेश किया था। मूडीज रेटिंग्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि भाजपा को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न मिलने से आर्थिक और राजकोषीय सुधारों में देरी हो सकती है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। कैपिटल इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री शीलन शाह ने अपने एक नोट में कहा, मोदी सरकार के
पास अभी भी ऐसे सुधार लागू करने के लिए पर्याप्त जनादेश है जो भारत की आर्थिक ग्रोथ को 6-7% पर बनाए रखेगा। इससे अर्थव्यवस्था अगले दशक में साइज के हिसाब से दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जानकारों का ही कहना है कि अगली सरकार अभी भी इतनी मजबूत होगी कि वो ये सुनिश्चित कर सके कि भारत वैश्विक विकास का इंजन बने और निवेशकों और कंपनियों के लिए एक निवेश का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभरे। मैक्वेरी कैपिटल में भारत इक्विटी रिसर्च के प्रमुख आदित्य सुरेश ने कहा, पूर्ण बहुमत की कमी व्यापक आर्थिक एजेंडे को पटरी से नहीं उतार सकती है। उनका मानना है कि सरकार अब रोजगार पैदा करने, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस करने में आसानी बढ़ाने पर अपना फोकस करेगी। उम्मीद की जा रही थी कि अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी और कड़े फैसले लेंगे जो कारोबारों के हित में होंगे, ताकि भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पर स्थापित किया जाए। लेकिन चूंकि बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, तो अब इसे अपने फैसलों को लागू करने के लिए अन्य पार्टियों का समर्थन भी चाहिए होगा। दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार विकासोन्मुख सुधारों के बरक्ष कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दे सकती है। सिटी रिसर्च ने भी कुछ इसी तरह की बात की है। मोदी सरकार ने 2047 तक एक विकसित भारत की कल्पना की है, जब देश स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेगा। जबकि पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत को वास्तव में एक विकसित देश बनने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान देना होगा। आपको बता दें कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इसी सप्ताह भारत के आर्थिक परिदृश्य को स्टेबल कैटेगरी से बदलकर पॉजिटिव कर दिया था, लेकिन उसने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BBB पर बरकरार रखा है, जो कि सबसे निचली निवेश योग्य रेटिंग है। हालांकि अरबपति निवेशक मार्क मोबियस को भरोसा है कि भारत के शेयर मार्केट में तेजी बरकरार रहेगी और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के समाप्त होने से पहले सेंसेक्स 1 लाख के आंकड़े को भी छू सकता है। आपको बता दें कि 4 जून को जब वोटों की गिनती शुरू हुई और शुरुआती रुझान आने शुरू हुए, तो सेंसेक्स और निफ्टी ने 8% से ज्यादा का गोता लगाया। ये मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी और इससे शेयर बाजार एक दिन पहले के रिकॉर्ड स्तर से तेजी से नीचे आ गया। हालांकि बाद में शेयर मार्केट में रिकवरी दिखी। 6 जून को सेंसेक्स और निफ्टी में करीबन 1% की तेजी देखने को मिली। आज के एपिसोड में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।